मौजूद है आजसू के कद्दावर नेता चंद्र प्रकाश चौधरी। आपको बता दूं कि ये सांसद गिरिडीह है और बीजेपी सरकार के काल में ये जल मंत्री भी रह चुके हैं। तो सर सबसे पहले आपका बहुत स्वागत। अभी सर आपसे कुछ प्रश्न हमारी जनता जानना चाहती है, अभी जो हेमंत सरकार की जो काम चल रहा है, उनका जो काम चल रहा है, उसको किस नजरिए से देखते हैं? जब से नेतृत्व में सरकार बना और विकास के काम बिल्कुल मौजूद हैं और अपलों के माध्यम से ही, न्यूज़ के माध्यम से ही हम बोल सकते हैं कि जितने आपराधिक घटनाएं घट रहे हैं, जितना इस तरह का भ्रष्टाचार बढ़ा, हम समझते हैं कि राज्य में विधि व्यवस्था बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। तो हम उनसे आग्रह करें सबसे पहले प्रशासनिक और विधि व्यवस्था को कंट्रोल करें। आजसू पार्टी की नींव बनाने वाले में से आपका भी नाम आता है, अभी जो आजसू पार्टी की स्थिति है कहते हैं दयनीय हो गई है, उसको सुधारने के लिए आप क्या करते हैं? देखिए संगठन है, संगठन कभी कमजोर नहीं होता, चुनाव होता है, चुनाव में हम लोगों ने जो संघर्ष किया है झारखंड आंदोलन को लेकर, और आज भी संघर्ष सिर्फ राजनीति आजसू का रहा और हमेशा आजसू राज्य के विकास के लिए यहाँ की समस्याओं को लेकर हमेशा लड़ते हैं और आगे भी। अगर जनता आपको फिर से मौका देती है तो आप क्या कुछ झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए, उसके विकास के लिए करना चाहते हैं? एक बार सरकार में भी रहने का मौका मिला है और सरकार में हम लोगों ने काम भी किया है, हमारी उपलब्धियाँ भी है, और खास करके आज मेरे पर चैनल है, हम लोग विधानसभा को कितना आगे ले गए, आज से 15 साल पहले क्या था और अभी क्या है, इसका वही आकलन करने का समय है। और गांव में कहीं जाने का रूट नहीं था, न कहीं बिजली था, न कहीं लोगों को पानी पीने का सुविधा था, सारी सुविधाएं हम लोगों ने यहाँ पर दिया, इसलिए हम लोग विकास को सबसे पहला प्राथमिकता देते हैं और आने वाले समय में भी हम लोगों का एक ही मकसद था कि राज्य विकास करे, आगे बढ़े, इसी को लेकर हम लोगों ने संघर्ष भी किया झारखंड जिला में और विकास के लिए भी हम लोग संघर्ष करें। कोरोना काल के इस दौर में अच्छे अच्छों की कमर तोड़ी, लेकिन आपने बहुत कुछ कार्य किया है, आप अपने तरफ से क्या कुछ कार्य किए, हमने पार्टी के सदस्यों के द्वारा क्या कुछ कार्य कराए हैं, कुछ मुख्य लाइंस हमारे कुछ रहे? कोरोना काल COVID-19 जो महामारी जो पूरे देश ने बल्कि पूरे विश्व में देशों को तबाह किया है और सारी अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गया था, जो फिर से कमी आई है, इस बीच में हम लोगों ने एक लाखों लोगों को हम लोगों ने अपने बीच से कोरोना से हम लोग मुक्ति मिला है, हटे हम लोगों के बीच से नहीं रहा है, हम उनको पहले श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और लोगों को जागरूकता जो कोरोना काल में लोगों को जागरूकता मिला, सरकार का गाइडलाइन चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार का, सभी लोगों का गाइडलाइन मिला, लोग उसको पालन भी किए, जिसके चलते हम लोगों को अनुमान था कि पूरे भारत में आबादी उसके हिसाब से काफ़ी जान माल का क्षति होगा, लेकिन लोगों के सजग प्रयास से और सरकार के गाइडलाइन से लोग काफ़ी जागरूक रहे और आज हम लोग कोरोना से पूरा मुक्ति पाए, पूरा नहीं हुआ है लेकिन हमको लगता है अब हम लोग उससे निकले हैं और अब हम लोग विकास के राह पर चल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, उन्होंने अपने कदम द्वारा झारखंड टाइम्स का उद्घाटन किया, इसीलिए इनका एक बार फिर से तहे दिल से झारखंड टाइम्स की पूरी टीम के द्वारा आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ऐसे ही देखते रहें झारखंड टाइम्स, क्योंकि हम आपको आप तक पहुंचाते हैं आपके ही शहर, आपके ही राज्य, आपके ही अपने देश की बड़ी छोटी हर तरह की तमाम बड़ी छोटी खबरें। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स .live को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।